दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने बचपन से ही अपनी जिंदगी सिनेमा के नाम कर दी, जिन्होंने चार भाषाओं के साथ सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय के जादू से अपना दीवाना बनाया, जो आगे चलकर बनी भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और फेमस हीरोइन, साथ ही भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार बनी और फिर प्यार में धोखा खाकर एक शादीशुदा प्रोड्यूसर से शादी कर ली। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस श्री देवी जी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने शादीशुदा फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के घर में शरण ली और बाद में कैसे मोना शौरी कपूर का शादीशुदा जीवन खत्म कर दिया, कैसे अभिनेत्री भाई को राखी बांधते बांधते उसी से शादी कर बैठी और कैसे शादी से पहले उनके बच्चे की माँ बन गई और क्यों समाज और परिवार के डर से की गई थी यह शादी और कैसे एक दिन अचानक बाथटब में डूबकर इनकी मौत हो गई थी। श्रीदेवी का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ था, क्या थे इनके निजी जीवन के विवाद और कैसे इनकी शादी अपने आप में एक विवाद थी जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, जानेंगे सब कुछ। बने रहिए हमारे साथ, आइए शुरू करते हैं इनके फिल्मी सफर से। श्रीदेवी का पूरा नाम है श्री यम्मा यंगर अय्यप्पन। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को मद्रास यानी कि तमिलनाडु के गांव मीनामपट्टी में हुआ था। ये गांव जिला शिवकाशी में पड़ता है। इनके पिता का नाम था अय्यप्पन यांगर, जो जिला शिवकाशी में ही एक वकील के तौर पर काम करते थे, और इनकी माता का नाम था राजेश्वरी यांगर, जो कि एक हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी के पिता ने दो शादियां की थी। श्रीदेवी दूसरी पत्नी की संतान है। इनको घर के सभी लोग प्यार से अम्मू बुलाया करते थे। इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है श्रीलता। इनके दो भाई भी थे जो कि पहली पत्नी से थे, सतीश और आनंद। श्रीदेवी ने शुरुआत से ही अपने दोनों भाइयों से दूरी बनाकर रखी थी, वजह था पारिवारिक मनमुटाव। श्रीदेवी के पिता तमिल थे और माँ तेलुगु, इसलिए शायद श्रीदेवी दोनों राज्यों की भाषा और संस्कृति की भली भांति परिचित थी। श्रीदेवी कभी स्कूल और कॉलेज नहीं गई थी। बचपन से ही उन्होंने देखा तो सिर्फ सिनेमा का पर्दा। इन्होंने अपना फिल्मी सफर महज 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। इन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू किया। साल 1967 का वो समय जब श्रीदेवी जी ने पहली बार तमिल भाषा की फिल्म कंधन करुणाई की, जो कि मैथोलॉजिकल फिल्म थी। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ शिवाजी गणेशन, शिव कुमार और जय ललिता जैसे बड़े बड़े कलाकार मुख्य भूमिका में थे। श्रीदेवी ने इस फिल्म में भगवान मुरुगन का बाल रूप निभाया था। इस फिल्म में निभाई गई भूमिका को लोगों ने बहुत पसंद किया, लिहाजा ठीक 2 साल के बाद 1969 में फिर से इसी तरह की एक फिल्म आई जिसमें श्रीदेवी ने एक बार फिर से भगवान मुरुगन का अभिनय किया। 1971 में इनका बाल कलाकार के रूप में नेम फेम बढ़ा और एक मलयालम फिल्म पूमपट्टा में ऐसा किरदार इन्होंने निभाया कि लोग इनकी एक्टिंग को देखते ही रह गए और इनके इसी एक्टिंग की वजह से केरल राज्य के फिल्म अवार्ड में श्रीदेवी को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला। श्रीदेवी का यह पहला अवार्ड था जिसने इनके नाम को 4 चांद लगा दिए थे। पहला अवार्ड इनको महज 8 साल की उम्र में मिला था। इतनी कम उम्र में अवार्ड पाने वाली यह पहली बाल कलाकार थी। श्रीदेवी ने 1967 से 1972 तक भगवान के ही रोल किए थे। इन्होंने बाल कलाकार के रूप में 4 भाषाओं में काम किया। श्रीदेवी ने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। श्रीदेवी कभी स्कूल कभी कॉलेज तो नहीं गई, इसलिए वो कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी यही कहती रही कि मुझे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है, जिंदगी के सभी रंग मुझे अच्छे लगते हैं, अगर जिंदगी दोबारा से शुरू हुई तो मैं फिर अपनी आंखें फिल्मों में ही खोलूं। श्रीदेवी के लिए फिल्मी पर्दा ही सब कुछ था। इनको काम और नाम दोनों मिलता गया और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने कद को और बड़ा करती गई। श्रीदेवी को अपने बचपन के दिनों से ही डांस में बहुत रुचि थी और यही वजह था कि श्रीदेवी अव्वल नंबर की डांसर थी। फिल्म की कहानी एक तरफ और श्रीदेवी का डांस एक तरफ होता था। उनके डांस की पूरी दुनिया मुरीद थी। श्रीदेवी ने कई साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ काम किया जिनमें जयललिता, शिवाजी गणेशन, एनटी रामा राव, कमल हासन, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार रहे। इन्होंने एक तेलुगु फिल्म राउडी रानी का हिंदी रीमेक किया। इस फिल्म में श्रीदेवी नजर आई थी। फिल्म का नाम रखा था रानी मेरा नाम। इस फिल्म के डायरेक्टर के एस आर दास थे। श्रीदेवी की ये पहली डेब्यू फिल्म मानी जाती है हिंदी सिनेमा के बाल कलाकार के रूप में। इसके ठीक 3 साल के बाद श्रीदेवी फिर से हिंदी सिनेमा में नजर आए और फिल्म का नाम था जूली।
जूली में श्रीदेवी जूली की छोटी बहन के रोल में नजर आई। जूली अपने दौर की हिट फिल्मों में शुमार थी। ये देखिए श्रीदेवी की ये फिल्म तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्म। इसको तेलुगु मलयालम के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। हिंदी में इस फिल्म का नाम रखा गया था 16वां सावन। ये फिल्म 1979 में बनकर रिलीज हुई थी। पहले श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि न तो इन्हें हिंदी आती थी और न ही इंग्लिश। लेकिन इस सबके बावजूद फिल्म के डायरेक्टर भारती राजा ने श्रीदेवी को मना लिया और श्रीदेवी ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी और इस तरह श्रीदेवी आ गई मुंबई। इस फिल्म में इनके हीरो थे अमोल पालेकर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म से श्रीदेवी को नाकामयाबी मिली और वो वापस अपने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चली गईं। इस फिल्म को बतौर हीरोइन उनकी पहली डेब्यू हिंदी फिल्म माना जाता है। हिंदी सिनेमा का पहला कदम श्रीदेवी को हताशा और मायूसी देने वाला था। इसके बाद श्रीदेवी साउथ की फिल्में करती रहीं। लिहाजा 1981 में पहली बार तमिल फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म थी मिंदम कोकिला। इसके बाद सन 82 में श्रीदेवी को एक बार फिर से अवार्ड मिला। यह अवार्ड तमिलनाडु स्टेट फिल्म फॉर बेस्ट हीरोइन के लिए दिया गया था। फिल्म का नाम था मंदुराम पिराय, जिसका आगे चलकर हिंदी रीमेक बनाया गया और नाम रखा गया सदमा। भारतीय हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी का पहला कदम सही नहीं था। उनकी पहली फिल्म 16वां सावन पूरी तरह से फ्लॉप थी। लिहाजा 4 साल बाद श्रीदेवी एक बार फिर से 1983 में मुंबई आईं। इस बार श्रीदेवी ने अपना एक एक कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रखा और हिम्मत वाला फिल्म साइन कर ली। श्रीदेवी ने इसमें बड़ी मेहनत से काम किया और फिर यह फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच गया। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि इस फिल्म में श्रीदेवी रातों रात स्टार बन गई और यह फिल्म इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जितेंद्र भी थे। इस फिल्म से जितेंद्र को भी काफी फायदा हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय से जितेंद्र की कई फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हो रही थी। तो श्रीदेवी के साथ इनकी फिल्म हिम्मत वाला ब्लॉकबस्टर साबित और जितेंद्र की भी किस्मत चमक गई। श्रीदेवी साउथ से आई थी। उनकी इस फिल्म में डबिंग की गई थी। उनकी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा की गई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी और जितेंद्र की डांस की आज भी तारीफ होती है। इसके बाद इन दोनों ने उसी साल 3 फिल्में और की थी, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली। इन तीनों फिल्मों के बाद तो श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा लिए और लोग भी उनको काफी पसंद करने लगे थे। हिंदी सिनेमा में नेम फेम मिलने पर श्रीदेवी ने अपनी साउथ सिनेमा को भी कभी छोड़ा नहीं और वहां भी वो लगातार काम करती रही। कामयाबी इस तरह उनके सर चढ़ के बोल रही थी कि इसके बाद इनकी एक फिल्म तोहफा, जिसमें श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी एक बार फिर से साथ में नजर आई। इस फिल्म में श्रीदेवी के डांस और गीतों को लोगों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म बन गई इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इस फिल्म में 2 गाने थे, एक प्यार का तोहफा है और एक आंख मारू तो। दोनों ही गाने ब्लॉकबस्टर रहे। किशोर कुमार और आशा जी ने ही इन दोनों गानों को गाया था। इस फिल्म में भी श्रीदेवी की हिंदी डबिंग की गई थी। उनकी हिंदी डबिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट नाज के द्वारा की गई थी। 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन ने तो श्रीदेवी की फोटो छाप कर उनके कद और लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया था। श्रीदेवी और जितेंद्र ने लगभग 16 फिल्में साथ में की, जिनमें हिम्मत वाला, जाने दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली ये कुछ फिल्में थी जो साल 1983 में एक साथ आई थी। श्रीदेवी एक ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ उनके बेटे सनी देओल के साथ भी काम किया। श्रीदेवी अकेली हीरोइन थी जो पिता और बेटे दोनों की ही हीरोइन बनकर एक साथ आईं। सनी देओल के साथ श्रीदेवी ने कुछ फिल्में की जिनमें सल्तनत, चालबाज, निगाहें, जोशीले जैसी फिल्में थी, तो वहीं धर्मेंद्र के साथ नाकाबंदी, फरिश्ते, वतन के रखवाले, सोने पे सुहागा जैसी बड़ी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई थी। श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया था, लेकिन श्रीदेवी को राजेश खन्ना के साथ काम करना ज्यादा पसंद नहीं था। श्रीदेवी को लगता था कि राजेश खन्ना उनके झूठी तारीफें करते हैं और इसी बात के कारण श्रीदेवी ने राजेश खन्ना के साथ बहुत ही कम फिल्में की। श्रीदेवी की एक फिल्म नगीना अपने दौर के सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में श्रीदेवी ने जो इच्छाधारी नागिन का रोल अदा किया था उसे दुनिया देखती रह गई। इस फिल्म को नाग नागिन के ऊपर बेस्ट फिल्म माना गया है। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को स्पेशल लेंस आंखों में पहनने के लिए दिए गए थे, जिनमें उनकी आंखों को बिल्कुल कातिलाना अंदाज में दिखाया गया।
इस फिल्म ने श्रीदेवी को दुनिया भर में चर्चा में ला दिया। इसके बाद साल 1986 में श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म कर्मा भी रिलीज हुई। ये एक मल्टी स्टारल फिल्म थी, जिसके बाद श्रीदेवी की फिरोज खान के साथ एक फिल्म जाबाज आई। इस फिल्म में श्रीदेवी के ऊपर बेस्ड एक सॉन्ग पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। श्रीदेवी ने लगातार 30 सालों तक भारतीय सिनेमा के सभी टॉप हीरोज के साथ काम किया और उनके साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस करते भी नजर आई। उन्होंने 70 के दशक में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर के साथ काम किया। तो वहीं 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ के साथ भी काम किया और 90 के दशक में भी शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान की भी नायिका बनकर वो फिल्मों के पर्दे पर नजर आई। श्रीदेवी की संजय दत्त के साथ कभी नहीं बनी और इसकी वजह रही थी, जब श्रीदेवी हिम्मत वाला फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो संजय दत्त ने श्रीदेवी की खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे सुने थे, जिसके चलते संजय दत्त श्रीदेवी से मिलने उनके सेट पर शराब पीकर पहुंच गए थे। उनके इस तरह के रवैये से श्रीदेवी बहुत नाराज हो गई थी और फिल्म के सेट से उठकर अपने मेकअप रूम में चली गई। तो वहीं उन्होंने मन बना लिया था कि वो जिंदगी में संजय दत्त के साथ कभी भी काम नहीं करेंगी। लेकिन सन 1993 में महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गुमराह। इसमें संजय दत्त और श्रीदेवी ने एक साथ काम किया। फिल्म में काम करने को लेकर उनको नहीं पता था कि फिल्म में संजय दत्त भी है। महेश भट्ट से किए गए वादे को पूरा करने के लिए श्रीदेवी ने इस फिल्म को पूरा किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था चांदनी। इस फिल्म में श्रीदेवी को दर्शकों के सामने एक अलग ही ढंग से पेश किया गया था। इस फिल्म में श्रीदेवी के कपड़ों, उनके स्टाइल को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में जो ड्रेस कोड श्रीदेवी ने पहना था वो उस समय की हर लड़की की पसंद बन गया था, जो इतना फेमस हुआ कि दिल्ली में तो एक ड्रेस डिजाइनर लीना दारू ने इनके नाम से चांदनी लोक शोरूम ओपन कर दिया। इस फिल्म का संगीत आज भी लोगों के जबान पर है। इस फिल्म के गाने बहुत ही जबरदस्त हिट हुए थे। श्रीदेवी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। 80 से 90 के दशक में वो सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली इकलौती हीरोइन थी। इनकी एक्टिंग और खूबसूरती का हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दीवाना था। श्रीदेवी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। उनके साथ श्रीदेवी ने आखिरी रास्ता, खुदा गवाह, इंकलाब जैसी फिल्में की। आखिरी रास्ता वही फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी की हिंदी डबिंग हीरोइन रेखा ने की थी, क्योंकि श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी। चलिए बात करते हैं श्रीदेवी की निजी जीवन की। श्रीदेवी की एक्टिंग और खूबसूरती किसी से छिपी नहीं है। जिसने भी श्रीदेवी को देखा उनका दीवाना हो गया। श्रीदेवी अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को एकदम अलग रखती थी। सन 1984 में श्रीदेवी एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था जाग उठा इंसान। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी थे। बताया जाता है कि श्रीदेवी और मिथुन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। श्रीदेवी जानती थी कि मिथुन पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन श्रीदेवी ने इन सब बातों की परवाह नहीं की और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बहते चले गए। इन दोनों के प्यार की चर्चा फिल्मी गलियारों में जोरों पर थी। जानकार बताते हैं कि श्रीदेवी और मिथुन ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। जब फैन नाम की एक पत्रिका ने उनके विवाह प्रमाण पत्र को प्रकाशित कर दिया था तो उसके बाद उनके शादी का ये राज सभी लोगों के सामने आ गया था। उनके इस कदम की काफी आलोचना हुई। तो वहीं जब इस बात का मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को चला तो वो हैरान रह गईं। वो मिथुन चक्रवर्ती के इस कदम को समझ नहीं पाई और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। वो मिथुन चक्रवर्ती से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती थी और इसका असर ये हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योगिता बाली के दबाव में आ गए और श्रीदेवी से अलग हो गए और इस तरह श्रीदेवी का साथ मिथुन चक्रवर्ती ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। मिथुन से अलग होने के बाद श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम करती रही थी। श्रीदेवी की जिंदगी में अभी मुसीबतें कम नहीं हुई थी। 70 से 80 के दशक में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा था। बोनी कपूर पहली नजर में श्रीदेवी के दीवाने हो गए थे और वो उस समय अपनी एक फिल्म ऋषि कपूर के साथ बना रहे थे, जिसके लिए वो एक हीरोइन की तलाश में थे। उन्होंने श्रीदेवी को देखा था तो उनको साइन करने के लिए उनके घर मद्रास पहुंच गए, लेकिन वहां श्रीदेवी नहीं थी। वो विदेश शूटिंग के सिलसिले में गई हुई थी। बताया जाता है कि साउथ इंडियन सिनेमा में श्रीदेवी की फीस काफी हाई हुआ करती थी। बोनी कपूर को जब उनकी फीस का पता चला तो वो वापस मुंबई आ गए। लेकिन सन 1986 में मिस्टर इंडिया फिल्म बना रहे थे तो अनिल कपूर के अपोजिट उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी।
उन्हें श्रीदेवी का ख्याल आया और वो फिर पहुंच गए श्रीदेवी के घर, जहां उनकी मुलाकात श्रीदेवी से हुई। बोनी कपूर श्रीदेवी से पहली मुलाकात में ही अपना दिल हार गए और उस समय श्रीदेवी की फिल्म की फीस 8 लाख रुपए हुआ करते थे। उस समय फिल्म के फीस, फिल्म के डेट्स उनकी माँ ही फाइनल किया करती थी। श्रीदेवी की माँ ने बोनी कपूर से उस फिल्म के लिए 10 लाख रुपए मांगे, जो कि उस समय यह काफी बड़ा रकम हुआ करती थी। बोनी कपूर श्रीदेवी के दीवाने थे, लिहाजा उन्होंने उनकी माँ को 10 की जगह 11 लाख रुपए दिए और उनकी डेट बुक कर ली। फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीदेवी मुंबई आए। इस बार श्रीदेवी को बोनी कपूर ने अपने ही घर में जगह दी, लेकिन बोनी कपूर उस समय मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के अफेयर से अनजान थे। श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती से प्यार करती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी का बोनी कपूर के घर पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो हमेशा श्रीदेवी से इस बात के लिए झगड़ते थे। बोनी कपूर श्रीदेवी की बहुत फिक्र करते थे और उनकी काफी देखभाल भी करते थे, बस उनका यही रवैया मिथुन चक्रवर्ती को अच्छा नहीं लगता था। बात यहां तक बढ़ गई कि एक दिन मिथुन दा ने श्रीदेवी को कहा कि आप बोनी कपूर को राखी बांध दो। श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती की बात मानी और बोनी कपूर को राखी बांध दी। बताया जाता है कि श्रीदेवी ने बोनी कपूर को उनकी पत्नी मोना कपूर के सामने राखी बांधी और यह सिलसिला कई सालों तक चला। श्रीदेवी बोनी कपूर को हर साल की तरह राखी बांधती रही, लेकिन कुछ समय के बाद ही श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती का अफेयर खत्म हो गया। लेकिन राखी बांधने के कारण बोनी कपूर काफी उलझनों में फंस गए, क्योंकि ना तो अपने दिल के बात श्रीदेवी को बता पा रहे थे और वहीं उन्होंने उनको अपना भाई बना लिया था। बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और श्रीदेवी को भी प्यार करने लगे थे, तो वो अपनी पत्नी और श्रीदेवी के प्यार के बीच इस तरह से फंसे हुए थे कि वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। एक दिन फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट पर बोनी कपूर ने अपने दिल की बात आखिरकार श्रीदेवी को कह डाली, तो वहीं श्रीदेवी भी बोनी कपूर के द्वारा की गई उनकी देखभाल और फिक्र को देखते हुए उन्होंने बिना सोचे समझे बोनी कपूर को हाँ कह दी। जबकि श्रीदेवी बोनी कपूर को राखी बांधती थी, उन्होंने किसी भी रिश्ते की मर्यादा समाज की परवाह किए बिना बोनी कपूर के फैसले को स्वीकार कर लिया। बोनी कपूर ने मोना शौरी कपूर को तलाक दे दिया और सन 1996 में श्रीदेवी से एक मंदिर में शादी कर ली। मोना शौरी कपूर वही थी जिन्होंने श्रीदेवी को अपने घर में जगह दी थी और श्रीदेवी ने उनका घर ही तोड़ने में कोई अफसोस नहीं की। इस शादी के बाद दोनों की काफी आलोचना हुई। श्रीदेवी को पहली बार मीडिया ने घर तोड़ने वाली महिला का खिताब दे दिया। श्रीदेवी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बताया जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और इसलिए वो शादी जल्दीबाजी में एक मंदिर में की गई। बताया तो यहां तक जाता है कि श्रीदेवी शादी के समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनकी पहली बेटी जाह्नवी कपूर वही बेटी है। बताया जाता है कि श्रीदेवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इनमें उनकी पहली बेटी जाह्नवी कपूर और दूसरी बेटी खुशी कपूर है। उनकी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। जुदाई फिल्म के बाद 15 सालों तक श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। ये पूरा समय श्रीदेवी ने अपने परिवार को दिया। 15 साल के बाद श्रीदेवी ने फिर से एक बार कमबैक किया और इस बार ये नजर आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में। इस फिल्म में टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए नजर आए। श्रीदेवी ने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी काम किया, जिनमें इनके कुछ प्रमुख सीरियल्स थे, 10 का दम, जीना इसी का नाम है। श्रीदेवी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन इसके बावजूद वो बनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। श्रीदेवी ने भारतीय सिनेमा में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। 2013 में श्रीदेवी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया गया और 2017 में इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2018 में श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने के लिए दुबई चली गई, जहां कुछ दिन श्रीदेवी अपने परिवार के साथ खुशी का समय बिता रही थी। बताया जाता है कि श्रीदेवी शाम के समय नहाने के लिए बाथरूम गई। उसी होटल में उनके पति बोनी कपूर भी मौजूद थे। श्रीदेवी जब बाथरूम से काफी देर तक बाहर नहीं आई, तो बोनी कपूर ने अंदर जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई थी। उन्होंने श्रीदेवी को बेहोश पाया, फिर किसी तरह इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। 27 फरवरी को यही रिपोर्ट बनाकर दुबई पुलिस ने केस बंद कर लिया और उसी रात श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया।
उनका अंतिम संस्कार मुंबई में पूरे सम्मान के साथ हुआ और रामेश्वर तमिलनाडु में उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। ओम शांति, श्री देवी जी की आत्मा को शांति मिले। आज इस वीडियो में बस इतना ही।